नमस्कार, मैं हूं मनीष मेहता और इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है झारखंड सरकार में मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी, जो इस बार के चुनाव में बतौर एनडीए प्रत्याशी गिरिडीह से अपनी किस्मत को आजमाएंगे। सीधे हम उनसे चलते हैं, बात करते हैं। चंद्रप्रकाश जी, सबसे पहले तो जी बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। पहला और इम्पोर्टेंट सवाल यही है, गिरिडीह के चक्रव्यूह से कैसे आप एनडीए के लिए सीट निकाल कर लेकर आएंगे? देखिए, ये गठबंधन जो आज और भारतीय जनता पार्टी का हुआ, 13 सीट में भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। एक सीट आजसू को गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र मिला है और गिरिडीह लोकसभा से हम पूर्व से ही वाकिफ हैं। वहाँ के लोग, वहाँ के जितने भी समीकरण है जो भी है, और अच्छा है, और हम लोग पूरा विश्वास है कि वह गिरिडीह लोकसभा सीट एनडीए के खाते में जाएगा। लेकिन गिरिडीह का जब भी जिक्र होता है तो इस वक्त काफी ज्यादा हॉट सीट के रूप में इसकी चर्चा हो रही है, और जिस तरह से 5 बार के अपने सिटिंग सांसद रविंद्र पांडे का टिकट काट करके आजसू को ये सीट बीजेपी ने दिया है, आपके लिए जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि ये सीट एनडीए के लिए निकाल कर लेकर आए? नहीं, निश्चित है, वो कई के चीजें वहाँ पर है और अच्छू को मिला है तो अच्छू पहले से भी संगठन हमारा वहाँ काफी पहले से काफी मजबूत हुआ है और हमारे एक विधायक भी हैं और एक जगह पिछला उपचुनाव में भी हम लोगों ने काफी कम 1200-1300 वोटों से हम लोग हारा है और प्लस 3 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में है, तो निश्चित तौर पर हम लोग वहाँ पर काफी मजबूत है और मात्र 2 सीट है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, 1 सीट है, तो वो कोई लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में लोग नरेंद्र भाई मोदी के नाम पे और एनडीए के नाम पे काफी लोग उत्साहित भी हैं और सभी लोग एनडीए के पक्ष में मतदान करेंगे। लेकिन चंद्रप्रकाश जी, महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि इस बार जो आपका मुकाबला, सीधा मुकाबला जो होने जा रहा है, क्योंकि तो गिरिडीह की सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में जा रही है, और जिस तरह से उनके पार्टी के नेताओं के द्वारा आपकी पार्टी पर, एजेएसयू पर सवाल उठाए जा रहे हैं या गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, यहां तक कहा जा रहा है कि एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग है एजेएसयू। देखिए, जो लोग कमजोर पड़ते हैं, जो लोग हताशा का परिचय होता है, तो इस तरह के बयानबाजी करते हैं, क्योंकि राजनीति है, राजनीति में उन लोगों ने भी जो गठबंधन किया है, आप समझ सकते हैं कि किस तरह से उल्टा पलटा गठबंधन हुआ है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा शुरू से अपने आप को झारखंड की राजनीति बोलता है, जल जंगल जमीन की बात करता है, और वैसे दल के लोगों के साथ भी उनका गठबंधन है, जो झारखंड का हमेशा विरोध किया, झारखंड बनने में हमेशा विरोध किया, झारखंड मेरी लाश पर बनेगा, राष्ट्रीय जनता दल आपका जो है उसके साथ गठबंधन हुआ, तो ये गठबंधन बिल्कुल, ये सवाल उनके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि हम लोग शुरू से झारखंड के साथ रहे हैं, झारखंड के आंदोलन के साथ रहे हैं, के मुद्दों के साथ रहे हैं, और वो लोग जस्ट विपरीत, झारखंड में यहाँ चुनाव लड़ते थे और वहाँ पर लालू यादव को समर्थन देते थे, तो इस तरह से उनका बिल्कुल हमेशा इस तरह का झारखंड विरोधी कार्य रहा है, लोग इस बात को भी समझते हैं, और अच्छी पार्टी अपने दम पर और एनडीए गठबंधन के दम पर निश्चित चुनाव हम लोग जी। लेकिन चंद्रप्रकाश जी, एक अहम सवाल ये भी उठ खड़ा हुआ है कि जिस तरह से बीजेपी ने आपके साथ गठबंधन किया, तमाम सियासी जो विरोधी पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं कि बीजेपी की मजबूरी इस बात को लेकर हो गई गठबंधन की, क्योंकि एजेएसयू जो है एक जाति विशेष की राजनीति करती है, इसलिए उस जाति को लुभाने के लिए एजेएसयू के साथ भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन कर लिया। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, हमारे समाज जाति के सभी, बहुत से लोग बीजेपी में भी, आजसू में भी है, और कुछ जो लोग अपना जैसा उचित विचारधारा समझते हैं सभी लोग हैं, और ऐसा कुछ नहीं, हम लोग भी चुनाव 3-3 बार जीते हैं, आजसू के कई के सीट हमारे पास भी है, जो हरिजन एससी के लोग भी हैं और एसटी के लोग भी हैं, ऐसा कुछ नहीं, लोग आरोप लगाते हैं और इस तरह का, ये बातें बिल्कुल बेबुनियाद है, वोट में सभी समाज सभी जाति के लोगों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता हैं वो आप पर ज्यादा आक्रामक इसलिए हो गए क्योंकि उन्हें डर इस बात का भी है कि उनकी भी तो उस जाति विशेष पर नजर है, उस वोट बैंक पर नजर है, उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये वोट बैंक खिसक सकता है, इसलिए ज्यादा आक्रामक है आपके ऊपर? नहीं, वही है, स्वाभाविक बात है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को आजसू से काफी प्रॉब्लम है, क्योंकि जानता है कि आजसू बढ़ेगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, इसलिए उनको हमसे ज्यादा डर लगता है, इसलिए इस तरह का गलत बयानबाजी
और लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन लोग बिल्कुल सजग हैं, इस तरह के दिग्भ्रमित बातों में नहीं जाएंगे और केंद्र में एनडीए का सरकार बने और निश्चित तौर पर जो रुझान है, जो पब्लिकों का सोच है, उसके हिसाब से सरकार फिर से नरेंद्र भाई मोदी का बने। लेकिन चंद्रप्रकाश जी, क्योंकि अभी ये तमाम इश्यू पर चर्चा, और एक अहम महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि क्योंकि आप भी चुनाव में हैं, आपके ठीक सामने जो विकल्प के तौर पर हम कह सकते हैं जो आपको चुनौती देते हुए नजर आएंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा से, वो या तो जगन्नाथ महतो होंगे या जयप्रकाश भाई पटेल होंगे। आपको क्या लगता है ये दोनों में से वो कौन सा चेहरा है जो आपको सीधी टक्कर दे सकता है? देखिए, चुनाव है, चुनाव में तो लड़ाई होता ही है और चुनाव में जनता के ऊपर सारा निर्भर करता है और उन लोगों शुरू वहाँ से भी जेएमएम रहा है, विकास हमारा मुद्दा है, हम लोगों ने काफ़ी काम भी किया सरकार में रहकर। रामगढ़ को, मैंने रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र को, रामगढ़ जिला को काफ़ी आगे तक हमने ले गया, तो वहाँ के लोग भी इस बात को महसूस करते हैं कि इस तरह के लोग आवे काम करने के लिए, तो उनको अवसर मिले कि इस क्षेत्र का भी डेवलपमेंट अच्छा ढंग से हो, सिस्टमेटिक ढंग से हो, तो वो हमारे लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है। लोग का व्यक्तित्व और अपना पहचान भी बहुत बड़ा मायने रखता है और इस चुनाव में हम लोग को काफ़ी तैयारी भी हुआ है, इसलिए परिणाम हम लोगों के पक्ष। तो चंद्रप्रकाश जी भी आज झारखंड से बातचीत के चलिए, लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे झारखंड सरकार में मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी, जो कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के 5 बार से जीत रहे गिरिडीह से सांसद रविंद्र पांडे के बदले इस बार आजसू से प्रत्याशी है, एनडीए के प्रत्याशी हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस बार का चुनाव बेहद ही दिलचस्प है और साथ ही साथ चंद्रप्रकाश चौधरी के लिए चुनौती भी काफी ज्यादा है कि ये सीट एनडीए के लिए जीत कर लेके आए।